बधिरों के लिए विशेष समाचार में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेरे साथ है रजनी कालरा। केंद्र सरकार ने पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और कृषि वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा की। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने मोदी सरकार को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे पूरे देश में बड़ा संदेश गया है। हल्द्वानी में अवैध मदरसे पर कार्रवाई के बाद भड़की हिंसा में 4 लोगों की मौत हो गई। हिंसा के बाद सीएम धामी ने अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक की। दंगाइयों को चेतावनी देते हुए सीएम धामी ने कहा कि दंगाइयों पर कठोर कार्रवाई करेंगे, किसी भी उपद्रवी को बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। उत्तराखंड के डीजीपी और मुख्य सचिव ने घटनास्थल का मुआयना किया। डीजीपी ने अस्पताल जाकर घायलों से भी मुलाकात की। इस मामले में पुलिस ने फिलहाल 3 एफआईआर दर्ज की। उत्तराखंड डीजीपी ने हिंसा की आतंकी घटना से तुलना की और हिंसा में शामिल लोगों को सख्त चेतावनी दी है। बरेली से मौलाना तौकीर रजा ने एक बार फिर भड़काऊ बयान दिया है। ज्ञानव्यापी मसले पर कोर्ट के फैसले के विरोध में तौकीर रजा ने सामूहिक गिरफ्तारी का ऐलान किया है। इसके बाद पूरे बरेली में पुलिस को अलर्ट पर रखा गया। वहीं हल्द्वानी हिंसा को लेकर तौकीर रजा ने भड़काऊ बयान देते हुए कहा कि अगर कोई हम पर हमलावर हुआ तो हम उसे जान से मार देंगे। गुरुवार को केंद्र सरकार ने यूपीए सरकार के कार्यकाल पर श्वेत पत्र पेश किया। इस श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा जारी है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 10 साल पहले जब यूपीए सत्ता से बाहर हुई तो देश की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल हो गया था। केंद्र की मोदी सरकार ने मेहनत करके अर्थव्यवस्था को बुरे दौर से निकाला। मुंबई से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। मुंबई में फेसबुक लाइव के दौरान उद्धव गुट के नेता की हत्या कर दी गई। महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। इस पर संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र में गुंडा राज और माफिया राज चल रहा है। वहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। बधिरों के लिए विशेष समाचार में फिलहाल इतना ही।